तो गाइस जय माता दी, आज आप लोगों को मैं घोघर वाले मियाँ वैष्णो देवी का दर्शन कराने जा रहा हूं और आपको अभी मैं पहाड़ में जाकर भी इसका भव्य स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम माँ का दर्शन प्रारंभिक में पहाड़ी के पहले मंदिर से ही कराने को जा रहे हैं। वैष्णो देवी का दर्शन कराने जंगल की ओर रवाना हो रहा हूँ। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार के समक्ष का भंडारा चल रहा है और हम लोग भंडारा करने के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही
पहाड़ी के ऊपर हम चढ़े, एक हमें और एक मंदिर यहाँ पर मिला और इस मंदिर के दर्शन के बाद हम आगे माँ वैष्णो देवी के मंदिर के समक्ष पहुँचेंगे। तो ये मंदिर का पहला पड़ाव है और पहला मंदिर। इस तरह ऊपर पहाड़ी तक माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुँचते तक बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर माता जी का हमें दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये जंगल काफी घना है और बहुत उबड़ काबड़ है। आगे मुझे लगता है कि हमारी बाइक जा नहीं पाएगी। हम लोग बाइक से सफ़र कर रहे थे इसीलिए हमें यहाँ पर ही साइड में बाइक को लगाना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बाइक को रोक कर आगे बढ़ रहे हैं और आपको और भी यहाँ का शानदार नज़ारा दिखाएंगे। आगे जो हम बढ़ रहे हैं इसको जो दर्शन करने के लिए माता जी का, हम इस रास्ता को इसलिए पहचान करके आगे चल रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जगह जगह स्वागत के रूप में लाल जय माता दी वाला झंडा लगाया गया है और आसपास के सभी पेड़ पौधे में एक एक झंडा लाल रंग का लगाया गया है जिसकी वजह से हम आसानी से आगे चढ़ पा रहे हैं। ये जंगल इतना घना है कि आगे तक पहुंचना अकेले की बस की बात नहीं है, या बहुत सारे लोगों के कारण हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही ऊंचा है पहाड़ी, पहाड़ी के ऊपर चढ़ना कठिन है, पर मुझे जो आप लोगों का दर्शन, आप लोगों को दर्शन कराना है माता जी का, चढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, फिर आगे पहाड़ी का रास्ता तय करेंगे। आप देख रहे हैं इस पहाड़ी का सफ़र फिर से हम जारी कर दिए हैं। प्यास लगी है, कुछ बच्चे हमारे पानी पीने के बाद फिर से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा मंदिर मिला माता जी का। बाबा जी मंदिर का क्या नाम है इस मंदिर का? चामुंडा। हाँ यहाँ बाबा जी बैठे हैं, आपका क्या नाम बाबा जी? केशवराम। बाबा जो पहला मंदिर है वो कौन सा माता के, वो सामने में हम देख क्या है? वो ये सामने वाला। हाँ जी जी। हाँ ये सामने वाला चेहरा वाली, चेहरा वाली माँ ज्योता वाली। चामुंडा देवी के दर्शन के बाद हम आगे फिर पहाड़ की ओर चढ़ रहे हैं। आगे हमको माँ भद्रकाली का दर्शन करने को मिलेगा, भद्रकाली माता का दर्शन करने के लिए मिलेगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें माता के अवतार के दर्शन होते रहेंगे। दोस्तों हम काफ़ी थक चुके हैं, फिर हमें ऊपर में और कुछ समतल जगह मिला पहाड़ी के ऊपर ही। आगे श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं और हमें और एक माता रानी का स्थान मिला, इसे भद्रकाली माता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आगे भी मंदिर बनने की तैयारी चल रही है। ये माता जी का चौथा मंदिर है, यहाँ से हम प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए एक कुटी बनी हुई है छोटा सा, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु रुकते हैं और यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोस्तों हम एकदम करीब पहुँच चुके हैं माता जी का और ये माता जी का मंदिर निर्माण के लिए यहाँ तैयारी चल रही है, जो न्यू बनाया गया है। और आगे आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। तो हम लोग अब माता रानी का जो स्थान है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का बहुत शानदार नज़ारा। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर हैं अभी हम लोग और ये आपको ऊपर से
पूरे पहाड़ी का नज़ारा दिखा रहा हूँ। बहुत ही मनोरम और सुंदर लग रहा है यहाँ से। और इस घने जंगल के बीच में बाबा का स्थान है जो माता जी का यहाँ पूजन करते हैं। और इस बीहड़ जंगल में उन्हें न जान माल की डर रहता है, वो माता की सेवा के लिए सदैव यहाँ पर तत्पर रहते हैं। ये बीहड़ जंगल जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इस जंगल में माता जी का वास रहता है। और अभी बाबा कुछ समय के लिए विश्राम कर रहे हैं, मैं आपको बाबा जी का भी दर्शन करा रहा हूँ सीधे। ये हमारे वैष्णो देवी माता का पुजारी है। बाबा आप यहाँ कब से आप माता जी का सेवा कर रहे हैं? बाबा वहीं से तो बहुत दिन हो गया। आप माता जी को कैसे प्रसन्न कर पाए? बाबा मनुष्य योनि में आकर भी आप माता जी को प्रसन्न करना आज के दिन में बहुत कठिन बात है। उसका तो बहुत कठिन हो गया था मेरे को, जो लाता था वो लाता था मेरे को, और करने वाला वही है, कराने वाला वही है। तो यहाँ पर इतने पहाड़ पर भक्त श्रद्धा पूर्वक इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, कैसे चढ़ पाते हैं? हम तो बड़ा मुश्किल से चढ़ पाए। वो माता रानी ही जाने। और बाबा जी यहाँ पर माता जी का मंदिर भव्य निर्माण होना है, तो कब तक पूरा हो पाएगा बाबा जी? देखो वो पूरा भक्त लोगों का ही कृपा है, माता जी का कृपा है जी। जो बुलाते हैं भक्तों को, जहाँ पे रहने के लिए जगह भी नहीं होगा, जगह बनाने वाला वही है, कराने वाला वही है, तो करने वाला वही है। हम तो मैं पूजा करता हूँ, तो मेरे माता नहीं, वो तो अखिल ब्रह्मांड का माता है। जय माता दी बाबा, जय माता जी। यहाँ पर माता जी का दर्शन के श्रद्धालु आ चुके हैं, और बहुत ही सुबह काफ़ी भीड़ था यहाँ पर। प्रत्येक वर्ष माघ पूनी में यहाँ पर मेला लगता है, माता जी का मेला। नीचे जो हम लोग पहले जहाँ भंडारा हो रहा है, हम वहाँ से भंडारा का प्रसाद ग्रहण करके आगे बढ़े और यहाँ माता जी के दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं। ये माता जी का स्थान है, यहाँ पर हमारे पुजारी यहाँ पर पूजा करते रहते हैं। आगे हम बाबा का दर्शन कराए हमारे मुख्य पुजारी का, और ये भक्तगण यहाँ पर माँ का सेवा के लिए इनके सहयोगी भक्त के रूप में यहाँ पर इनकी सेवा सदैव करते रहते हैं। और आज ही नहीं बल्कि लगभग 10 साल हो गया है यहाँ पर इन लोग यहाँ निरंतर सेवा कर रहे हैं माता जी का। और 10 साल से माता जी का सेवा करके यहाँ पर मौजूद हैं, और कई श्रद्धालुओं का मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यहाँ दर्शन मात्र करने से कई अंधों को आँख देखने को मौका मिला है, कई गोंगे यहाँ के दर्शन करने के पश्चात बात करने लगे हैं, और कई सारे बीमारी ठीक हो चुके हैं। अभी हम बाबा जी के दर्शन के पश्चात बाल गंगा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए बाबा जी से मैं जानना चाहूँगा कि बाल गंगा क्या है। बाबा जी बाल गंगा वो अभी नहीं, उसका टाइम है, माता ने बोल दिया है। जिस समय अठारह भुजा वाले रूप धारण किया था, उसके बाद तू तो बेटा मेरे साथ तू जा नहीं सकेगा जी, वो तो योनि द्वारा का तो जन्म है जी। उसके बाद आठ भुजा वाले रूप धारण किया, उसने क्या बोला कि तू योनि द्वारा का जन्म है, तू मेरे साथ जा नहीं सकेगा। उसके बाद चार भुजा वाले रूप धारण किया, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में शंखा, एक हाथ में आशीर्वाद। तो माँ का जैसे पल्लू लमता है, पल्लू को मैं पकड़ लिया, तो पल्लू के साथ पकड़ लिया, तो पल्लू के साथ मेरे को लेकर के आए इसका सजाने के लिए। और जिस समय शेरावाली का दरबार है, वहीं पर मेरे को दो चक्कर घुमा दिया, वहीं पे मेरा मंदिर एक बनेगा बोला, और जहाँ पे चढ़ो पहाड़ है वहीं पे मेरे को छोड़ दिया। बेटा
इसका दिन इसका बार है, इसका साथ मेरे साथ साथ हो गए। अभी वहीं से जो भी भक्त श्रद्धालु भक्त आएगा वहीं पे दर्शन करा करके तू जाना। तो 6 महीना तक उसका साथ में दर्शन किया पहाड़ पे, उसके बाद उसका आने लगा तो बहुत वर्षा होने लगा। तो बाल गंगा के लिए क्या बात बोले, बेटा अभी बाल गंगा प्रकट नहीं होगा, उसका देरी है। अभी जिस समय बाल गंगा प्रकट हो जाएगा तो पूरे संसार आकर मचने लगा। बोला कभी क्या के लिए पानी अभी निकलता है उसके बाद बंद हो जाता है, कभी निकलता है कभी सूखा रहता है, कभी सूख जाएगा कभी पानी आएगा। छोटा सा आगे बिल्कुल छोटा सा था, अभी बड़ा होते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जी जी। बाल गंगा का इसका नीचे माता ज्वाला देवी का पूजा है। अच्छा, उसके बाद ज्वाला देवी माता का दर्शन होगा, गुरुवार के दिन उसका पूजन होता है जी। और उसके बाद क्या बोला है, जो छिन्नमस्ती का पूजा आगे है शुक्रवार में, जो शुक्रवार में पूजा होता है वहीं पर, छिन्नमस्ती का पूजा शुक्रवार को होता है। तो माता ने बोल दिया वो छिन्नमस्ती का नहीं है, इसका नाम चिंतापुनी है। जो भी मनोती मांग करके आएगा तो इसका मनोती पूरा अभी से पूरा होगा। जिसका मन उसको चिंता होता है तो चिंता को दूर करने वाला मैं ही हूँ बोल दिया है जी। अभी जितना भी भक्त आ रहे हैं वो तो मुझे लाख लाख रुपया है जी जी, मैं कैसे क्या करूँगा। तो इसीलिए जितना भी भक्त लोग आ रहे हैं वो मेरा संपत्ति है, मैं पैसे क्या करूंगा, मैं मर भी जाऊंगा, मैं माता को देख लिया हूँ बस। अभी जो भी भक्त आते हैं तो उन लोगों को मैं रास्ता दिखाता हूँ जी, आपके रास्ते पे चलकर सबका मनोकामना पूर्ण हो रहा है। चलो बाबा जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी हम बाल गंगा का दर्शन के लिए आगे बढ़े हैं। मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया, बोलो गंगा मैया की जय, बाल गंगा की जय, माँ वैष्णो देवी की जय। तो यानी बाल गंगा का दर्शन करने हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बाल गंगा इस चट्टान को फोड़ कर निकली हुई है और ये बहुत छोटा धार के रूप में है और जिस दिन ये धार बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा, ऐसा बाबा का भविष्यवाणी है। बोल सचे दरबार की जय, जय माता जी, जय माता जी, नैना देवी जय माता जी, चिंतापूर्णी जय माता जी, ज्वाला देवी जय माता जी, भद्रेश्वरी जय माता जी, वैष्णो रानी जय माता जी, चामुंडेश्वरी जय माता जी, मनसा देवी जय माता जी, शाकुंभरी जय माता जी, महाकाली जय माता जी, भद्रकाली जय माता जी। जोर से बोलो जय माता जी, मन से बोलो जय माता जी, दिल से बोलो जय माता जी, प्यार से बोलो जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, पारा वाली जय माता दी, होली भाली जय माता दी, हाथ पुंजा दी जय माता दी, कचरे दिन दी जय माता दी, अगला भी बोलो जय माता दी, पिछले भी बोलो जय माता दी, बाण गंगा जय माता दी, मनहो चंगा जय माता दी, आदि कुमारी जय माता दी, लगदी प्यारी जय माता दी, चंदी छत्ते जय माता दी, छगन उतारी जय माता दी, हत्ती मत्थे जय माता जी, पांव लत्था जय माता जी, बीत गुफा दे जय माता जी, दर्शन मा दे जय माता जी, शेर सवारी जय माता जी, लगदी प्यारी जय माता जी, तेरा बिदा जय माता जी, मेरे आए जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। जैसे पहले ढक्कन रखना पड़ा, आपको माता जी का और एक चमत्कार दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर चट्टान को बजाने पर मृदंग का आवाज आता है, एक चमत्कार है। जय माता दी। थोड़ा सा पुजारी जी, थोड़ा सा अगर वहाँ पर आवाज को निकालने कष्ट करेंगे, ये देखो आवाज आ रही है। और अन्य जगह थोड़ा बजा के देखिए बाबा। साई, आप कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? यहाँ पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को
लग रहा था कि मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, फिर मैं कैसे करके भी चढ़ गया। वो माता की कृपा है, मैं नहीं जानता, मगर मेरे को बहुत थकावट लगा था, मगर माता की वजह से मुझे थकावट पूरा दूर हो गया। हंसिका, आपको मृदंग का आवाज सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ये चमत्कार मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और चढ़ नहीं पाऊंगी बोल रही थी, उसके बाद ना मैं चढ़ नहीं पाऊंगी। वो है नेत्रा वाली माता जी। तो नेत्रा वाली माता ने क्या बोला हुआ है, जिस समय माँ का पेट भीतर का अंदर जो बच्चा रहता है, मैं नेत्रा वाली नेत्रा ही खोल दूंगा तब बच्चा बाहर आने लगता है, ऐसे बोलता है। कोई भी अंधा आदमी आकर के वहीं पे माता को दर्शन करता है, मनोती मांगती है, इसका मनोकामना पूरा हो जाती है। तो तीन हांडी है उसका, तीन हांडी है। एक हांडी का पानी हम लोग क्या करते हैं, हाथ धोने के लिए देते हैं जी। एक हांडी का पानी, तो एक हांडी का पानी क्या करते हैं, इसको मुंह धोने के लिए देते हैं अंधा को जी। बीच का हांडी का पानी क्या करते हैं, इसको पीने के लिए देते हैं जी। ये माता जी का सिद्ध गुफा है। हाँ, इसी गुफा में ही माता जी का दर्शन होता है। जैसे ही मंदिर का निर्माण हो जाएगा, बाबा जी ने प्रतिज्ञा ली है कि मंदिर पूर्ण होने के पश्चात उसका दर्शन सभी लोग को सार्वजनिक रूप से मिलेगा। अभी तपस्या कर बाबा जी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं एक गुफा के अंदर। अभी बाबा जी के काफ़ी निवेदन के पश्चात मुझे इस गुफा का दर्शन कराए। बाबा जी यहाँ तपस्या करते हैं और माता जी यहाँ विराजमान होते हैं और वहाँ दीप प्रज्वलित कर माता जी का पूजा की जाती है। वहाँ अखंड ज्योत, आपको दिखा रहा हूँ जूम करके थोड़ा सा मैं, हाँ, ये अखंड ज्योत जो है वो माता जी का वहाँ सदैव जलते रहता है। ही मंदिर के सामने ही यहाँ पर्वत राज का भी पूजा होता है और यहाँ पर मंदिर का रूप तो अभी लिया नहीं है, पर यहाँ भी मंदिर का निर्माण होगा पर्वत राज का, जो कि पर्वत राज यानी पार्वती के पिता का मंदिर है ये, और यहाँ पर पूजा होती है पर्वत राज का। सफ़ेद रंग से जो चुना गया है वो प्राकृतिक निर्मित है नंदी बाबा जी का, और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और ये नंदी बाबा पर्वत राज के द्वारा निर्माण कर दिया गया है, यहाँ उसका आकार देने की जरूरत नहीं, नंदी राज का आकार स्वतः निर्मित हो गई है। दोस्तों, आपको मैं वैष्णो देवी के दर्शन कर इसी पहाड़ी से ही, इस पहाड़ी की ऊंची चोटी से आपको मैं धूपकोट डैम यहाँ से दिखा रहा हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा इससे काफ़ी दूर सफ़ेद सफ़ेद, और वह पानी का दृश्य है। आपको इससे पहले मैं बताया था धूपकोट बांध पिकनिक पैलेस के रूप में जो दिखाया था ब्लॉग, उसमें बोला था कि आपको मैं वैष्णो देवी का दर्शन कराऊंगा, और मैं आज आप लोगों का इच्छा पूरा करते हुए वैष्णो देवी का दर्शन कराने के पश्चात मैं आपको यहाँ से ही, इस पहाड़ी के ऊँची चोटी से ही आपको धूपकोट बांध का नज़ारा दिखा रहा हूँ। काफ़ी मनोरम और खूबसूरत है, आप यहाँ से आकर कभी देखें, आपको बहुत ही आनंद आएगा। हेलो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके पास ऐसे ऐसी तरह की वीडियो आपको पहुँचाते रहेंगे।